बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेमित्रा दौरा आज रहने वाला है। बेमित्रा के लिए 12 बजे रायपुर के यहां पर रवाना होंगे। आपको बता दें अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम भूपेश बघेल का बेमित्रा दौरा आज रहने वाला है। बेमित्रा के लिए 12 बजे रायपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल भी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेमित्रा दौरा आज रहने वाला है। साथ ही आपको बताएं कि 12 बजे रायपुर से रवाना होंगे बेमित्रा के लिए। तो 12 बजे रवाना होने वाले हैं बेमित्रा के लिए रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का, चूंकि आज बेमित्रा दौरा रहने वाला है। और साथ ही ये भी आपको बताएं कि अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो बेमित्रा में अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और उसी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और 12 बजे रायपुर से रवाना होने वाले हैं बेमित्रा के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम भूपेश बघेल का बेमित्रा दौरा आज रहने वाला है। बेमित्रा के लिए 12 बजे रायपुर से रवाना भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इसके अलावा अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, शामिल होंगे कार्यक्रम में, क्योंकि बेमित्रा में अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो बेमित्रा के लिए रवाना होने वाले हैं 12 बजे आज रायपुर से। और आज दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, जहां कार्यक्रम रखा गया है अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। तो बेमित्रा में उनके दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के कर रखे हैं। साथ ही लोगों के लिए भी वहां पर खासा इंतज़ाम किया गया है। जो जनता है उसके लिए भी खासा इंतज़ाम किया गया है। अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम चूंकि वहां पर होने वाला है, और कार्यक्रम को लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ रायपुर से। सुप्रिया, बेमित्रा दौरा आज कितना अहम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमित्रा दौरे पर रहेंगे। अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है, उस बलिदान दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया है उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और उसके बाद शाम को रायपुर लौट आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के दृष्टि से भी काफी जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं, काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर सुप्रिया की गई हैं, अगर आपको जानकारी हो तो? क्या वहां पर कोई सौगात भी बेमित्रावासियों को दे सकते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री लोगों को सौगात दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की ही जानकारी मिली है और कार्यक्रम यही है कि अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया जाना है। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे और ज़रूर बेमित्रावासियों को कोई सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कार्यक्रम में शामिल हुए शिक्षकों के सम्मान में, तो उन्होंने फिर एक बड़ी घोषणा कर दी। तो इसी तरीके से जो कल, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो उसमें भी मुख्यमंत्री कुछ घोषणा कर सकते हैं, ऐसी संभावना तो है। ठीक है सुप्रिया, सुप्रिया आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं।